Hello guys, welcome back to our channel. This is Rajan and I'm here with another video. So आज का हमारा टॉपिक सबसे अलग और सबसे हटके होने वाला है. मैं आपको बताता हूँ थोड़ा सा इसके बारे में. मैं हिस्ट्री पढ़ने में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट रखता हूँ और जैसे कि हम नोवा स्कोशिया में मूव हुए तो नोवा स्कोशिया की हिस्ट्री पढ़ते पढ़ते एक बहुत ही अच्छा टॉपिक मेरे सामने आया, तो मुझे लगा कि मुझे ये आपके साथ शेयर करना चाहिए बिकॉज इट्स गोना बी good experience, so it's gonna be a good story for you guys also if you are interested in the history and stuff. So bina time waste kiye aaj ki video start karte hain. Let's go guys. So guys, aaj ka hamara topic hone wala hai Oak Island. Oak Island Nova Scotia ke Mahon Bay ke 300 island mein se ek island hai. Aap soch rahe honge ki main is pe hi kyun video bana raha hu. ओक आइलैंड पे माना जाता है कि दुनिया का सबसे बड़ा खजाना यहीं पे दफन है, जिसकी खोज आज तक चल रही है और अभी तक किसी को कुछ मिला नहीं है. 1795 में एक 16 साल का लड़का डेविड मैकिनिस उसका नाम था, उसने क्या डिस्कवर किया कि देयर इज अ डिप्रेशन इन द ग्राउंड, लाइक कुछ गड़बड़ है ग्राउंड में. और जब उसने उसको और नज़दीक से देखा तो तीन ओक ट्री के बीच में एक सुरंग बन रखी थी जिसके अंदर रास्ता जाता था पुलिस सिस्टम के द्वारा. उसके दिमाग में बात खनकी बिकॉज उसने बहुत पुरानी कहानियां सुन रखी थी अपने बुजुर्गों से, दैट लाइक देयर इज़ मिस्टीरियस ट्रेजर बरीड ऑन दिस लैंड. और लाइक कैप्टन किड जो कि एक पायरेट था उसका, उसने वहाँ पर अपना जो शिप था वो लैंड किया और सारा जो ट्रेजर था जो खजाना था वहाँ पे दफना दिया. तो उसके दिमाग में ये बात खन गई और उसने 16 साल के लड़के ने अपने दो दोस्तों के साथ वहाँ पे खोदना स्टार्ट किया. खुदाई स्टार्ट होगी 3 मीटर पे उनको कुछ चीज़ें मिली डिफरेंट जो कि उनको लगा कि हाँ यहाँ पे पक्का खजाना है. 9 मीटर तक उन्होंने खुदाई की, उनको कुछ नहीं मिला और वो वापिस चले गए. बट 1804 में मैकिनिस और उसके दो दोस्त फिर से वापस आए और उन्होंने वहाँ पे खुदाई स्टार्ट की और उन्होंने 30 मीटर तक खोदा बट उनको कुछ नहीं मिला. फिर क्या हुआ कि वो 30 मीटर का जो उन्होंने वहाँ पे खुदाई की थी वो फ्लड वहाँ पे पानी से भर गया और उनको फिर से वापस जाना पड़ा. जैसे ही ये बात बाहर फैली तो लोगों ने वहाँ पर अलग अलग जगह पर खुदाई करना स्टार्ट की, जिससे वो एक आइलैंड बना जिसे नाम दिया गया ओक आइलैंड. तीन ओक ट्री जो ट्रायंगल बनाते थे, जो मैकिनिस ने जो सुरंग ढूंढी थी उसको पुराने टाइम पे उस जगह को एक मशीन की तरह यूज़ किया गया था, जिसे आज के टाइम पे हम बोल देते हैं ब्लॉक एंड टैकल. उस मशीन को हम हैवी वेट उठाने के लिए या ट्रांसफ़र करने के लिए यूज़ करते हैं और वो टाइम पे वो मतलब उस जगह को उस ट्रीज को वैसे यूज किया गया था. और उस जगह को मनी पिट का नाम दिया गया, जो कि मैं आपको इस पिक्चर में शो कर रहा हूँ. बहुत अलग जगह पे वहाँ पे हर जगह पे खुदाई की गई और बहुत ही डिफरेंट चीज़ें मिली वहाँ पे, जैसे कि कोकोनट फाइबर्स, सम कॉइन्स, ज्वेलरी एंड लेड क्रॉस जो कि 400 से 800 साल पुराना बताया जाता है कि वो सारी चीज़ें मिली और उसका कोई भी सोर्स नहीं था कि कहाँ से आई ये चीज़ें. और इन चीज़ों को कनेक्ट किया गया और इतनी देर तक इसीलिए उस खजाने के लिए खोज चलती रही. गवर्नमेंट ने पैसा लगाया, बड़ी बड़ी कंपनीज ने उसमें पैसा लगाया जो कि खुदाई चलती रही है और आज तक चल रही है और आज तक उस खजाने को ढूंढने की कोशिश की जा रही है. वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट इंसिडेंट्स हुए, लाइक वहाँ पे पानी भर जाता था क्योंकि ओशन पास में है, तो वहाँ पे डैम बनाए गए बट वो तूफान के साथ डैम भी टूट गया. कई टनल्स बनाई गई वो टनल्स जिसमें मतलब आदमी थे काम कर रहे थे वो टनल्स गिर गई और बहुत लोगों की मौत हुई. आज तक 7 लोगों की मौत हो चुकी है वहाँ पे, जिसकी वजह से इसको द कर्स ऑफ ओक आइलैंड भी बोला जाता है क्योंकि आई थिंक तकरीबन 200 साल से वहाँ पे खजाना ढूंढने की कोशिश की जा रही है बट कुछ नहीं मिला. बट बहुत लोगों ने अपनी जान खो दी और बहुत लोगों ने बहुत सारी चीज़ें सही और अपनी लाइफ उसमें लगाई है और उनको कुछ भी वहाँ से नहीं मिला.
पे एक डॉक्यूमेंट्री भी बन रखी है, द कर्स ऑफ द ओक आइलैंड, जो आप प्राइम वीडियो पे देख सकते हो। उसमें लाइक तकरीबन उन्होंने 7 सीजन बना रखे हैं और पूरा एक्सप्लेन कर रखा है कि कैसे कहाँ पे स्टार्ट हुआ और अभी क्या चल रहा है वहाँ पे। कहा जाता है कि वहाँ पे सिर्फ एक ट्रेजर नहीं, वहाँ पे कई तरह के ट्रेजर, लाइक स्पेनिश नेवल ट्रेजर, ब्रिटिश इम्पीरियल ट्रेजर, पायरेट ट्रेजर, बहुत ही डिफरेंट ट्रेजर दफन है, जो कि उस जगह को बहुत ही ज़्यादा अलग बनाते हैं, जिसकी वजह से आज तक वहाँ पे खोज चल। और गाइस, अगर आप चाहो तो ये आप आइलैंड को विज़िट कर सकते हो। वहाँ पे आपको गाइड प्रोवाइड किया जाता है, जो आपको अलग अलग जगह है जो अलाउड है जहाँ पे जाना, वो आपको दिखाएंगे और वहाँ पे विज़िट करवाएंगे। आई विल डेफिनेटली रिकमेंड यू दिस प्लेस इफ़ यू आर इन नोवा स्कोशिया, बिकॉज दिस इज़ गोना बी अ डिफरेंट एक्सपीरियंस फॉर यू गाइस।